सो वेलकम बैक गई जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में कक्षा 11वीं जो आपका रसायन शास्त्र का पेपर है 27 तारीख को होना है, तो जल्दी से आप देख लीजिए पूरा पूरा पेपर कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में कम बताया जाएगा। देख लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में कम्प्लीट कराए जाएंगे, सो इस आपके पूरे पूरे क्वेश्चन जो है हल सहित आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका केमिस्ट्री का कक्षा 11वीं जो पेपर है पूरा सॉल्व सही देख लेते हैं। सो इसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प पहला है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NTP पर आयतन होगा कितना होगा 5.6 L होगा। सो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद अगर इस आपका दूसरा निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, इसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो होगी 22 ग्राम CO2 में, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा के सेल के 2 इलेक्ट्रॉन में भिन्नता हो गई, जो के सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की भिन्नता हो गई स्पिनिंग क्वांटम संख्या में, सो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण हो जाएगा आपका जो विकिरण यहाँ पर रेडियो तरंग हो जाएगा। सो ये आपका सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। इसके बाद पाँचवा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा, तो इसे यहाँ पर जो परमाणवीय त्रिज्या होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा जो है सदैव बढ़ती है, सो इसमें आपका परमाणवीय त्रिज्या हो जाता है। इसके बाद छठवां निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होता है, तो इस MgCl2 में जो है सबसे अधिक सहसंयोजी गुण होता है, सो इसका आपको बी लगा लेना है। इसके बाद अब आपके नेक्स्ट आपका सातवां देख लीजिए, यदि बी की एंथैल्पी अभिक्रिया ए बी होगी तब उसमें 100 पी सोई से जो अभिक्रिया होगी वो उसमें 100 पी होगी, इसमें सातवां बी भर देना। इसके बाद आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भरिए यहाँ पर 7 नंबर के, पहला है बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी डॉट डॉट है, सो कैसी होती है धनात्मक होती है, तो इसमें आपको धनात्मक भर देना। इसके बाद दूसरा है नाइट्रोजन अणु में डॉट डॉट पाई बंद होते हैं, सो कितने 2 पाई बंद होते हैं, सो इसमें आपको क्या भर देना है 2। इसके बाद तीसरा सहसंयोजक यौगिक का गलनांक समानता डॉट डॉट होता है क्या सा होता है जो है कम होता है। इसके बाद चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड की सहसंयोजकता डॉट डॉट है, सो कितनी है 3 है, सो इसमें आपको 3 बार देना है। इसके बाद आपका जो है चौथा के बाद पांचवा देख लेते हैं, आयनिक यौगिक समानता जल में डॉट डॉट होते हैं क्या विलेय होते हैं। इसके बाद आपका छठवां बंध वियोजन ऊर्जा बंध क्रम के डॉट डॉट होती है कितनी कैसी होती है समानुपाती होती है। इसके बाद आपको LCAO का पूरा नाम लीनियर कॉम्बिनेशन और ऑफ ऑटोमिक ऑर्बिटल्स, वैसे आपको जो है LCAO का पूरा नाम हो जाएगा, तो इसे आप जल्दी से रिक्त स्थानों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गाइस यार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो पूरे पूरे क्वेश्चन हो गए हम आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, आपको जो है आपको इसी तरह आदिवासी परीक्षा में पूरी हेल्प की जाएगी, सो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस यहाँ पर फिर आपकी जोड़ी बनाइए, जोड़ी बनाना है चलिए यहाँ पर आयनिक बंध हो जाएगा द्रव है। इसके बाद सहसंयोजी बंध जो है गैस है। इसके बाद तीसरा है दीप्त तीव्रता, इसमें हो जाएगा कैंडला। इसके बाद चौथा है मोल अंश का आपका हो जाएगा इकाई रहित। इसका पांचवा का HF का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का साझा। इसके बाद छठवां चतुष्फलकीय हो जाएगा SF6 हो जाएगा। इसके बाद है सातवां द्विध्रुव हो जाएगा 3XD। सो इसी आपकी सही जुड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है, देख लीजिए यहाँ पर नंबरिंग कर दी है आपको उसी के हिसाब से मिला लेना है। चलिए अब आपके जो है एक वाक्य के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसे यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द और वाक्य में उत्तर देना जो कि 7 नंबर की, पहला है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, इसमें जो सार्थक अंक है वो 3 हो जाएंगे, इसमें आपको पहले में क्या भर देना 3। इसके बाद दूसरा का आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा निकालते हैं, इसको किसके द्वारा निकालते हैं 4L+2 के माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, सो इसे 4L+2 के आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा एक तेल बूंद पर आवेश 6.39×10⁻¹⁹ है, तेल बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी आंसर 4 हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर। इसके बाद है आपका चौथा यानी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या आई का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा,
इसके बाद है पांचवा, सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या होती है तो सी प्लस होती है। इसके बाद है छठवा, शुद्ध जल की मूलरता कितनी है, शुद्ध जल की मूलरता 2D है। इसके बाद है सातवां, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, यहाँ पर हो जाएगा अभिविन्यास। तो इसे आपके एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पांचवा प्रश्न है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करना है। तो इस यहाँ पर आपको जो है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए, यहाँ पर 2 नंबर का। चलिए इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा है 1s2s कक्षक एवं दूसरा है df कक्षक में के इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। तो इसी आपका अथवा का हो जाता है। इसके बाद छठवां है, BE तथा MG की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। इसका अथवा है N की आयनन एंथैल्पी शून्य से ज़्यादा होती है क्यों, ये आपको बताना है क्वेश्चन छठवां। इसके बाद सातवां, परिरक्षण प्रभाव क्या है। इसका अथवा है प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद है आपका आठवां, आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसके अथवा में आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े होते जाते हैं क्यों, ये आपका आठवां हो जाता है। नौवां है, गीली व शुष्क हवा में कौन भारी होगी। इसके अथवा में गैस का दाब क्या होगा यदि संगठन प्रत्यस्त नहीं होते। तो इसके बाद आपका दसवां है, क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। इसके बाद है आपका सार्थक अंक का निकटन कैसे करते हैं, अथवा में एन प्लस एल का नियम लिखना है। इसके बाद है एन प्लस वन का नियम लिखना है आपको। इसके बाद है आपका बारहवां, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसका अथवा विकिरण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद आपका सात तेरहवां आ जाता है, अफबाहु सिद्धांत क्या है, अथवा का दिया हुआ पावली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण के साथ समझाना है। इसके बाद है आपका चौदहवां, कुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं, अथवा दिया हुआ एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाना है। इसके बाद पंद्रहवां है, स्टॉक विलियन क्या है। तो इसी आपके जो है क्वेश्चन नंबर 13 से 3-3 नंबर वाले स्टॉक विलियन का अथवा देख लेते हैं। इसका अथवा देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता एवं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अंतर। इसके बाद है सोलहवां, कक्ष व कक्षक में अंतर। इसके अथवा में दिया हुआ आपको समस्थानिक व संभारिक में अंतर। तो इसके बाद है आपका सत्रहवां, सत्रहवां पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ आपको हैस का नियम उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद है आपका अंतर संक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखना है, इसके सामान्य गुण भी लिखना है। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, एक आयन का द्रव्यमान जो है 56 है, जिस पर 3 इकाई धन आवेश एवं इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4% अधिक न्यूट्रॉन है, आयन का संकेत ज्ञात करना है। इसके बाद 19वां, व्युत्पत्ति कीजिए, AH = AU + NRT, अथवा दिया हुआ हाइजन वर्ग का निश्चय सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय जो है रूप लिखना है आपको। सो इस तरह आपके पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सो इस अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सो इस आप जल्दी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कीजिए और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और वीडियो को लाइक नहीं कीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।